हेलो दोस्तों, आज क्लास में हम 50 नंबर 2 लेकर के आए, जिसमें आपको सभी लोगों का स्वागत है। जिस क्लास में आज हम मैथ फंक्शन के अंदर पावर फंक्शन पढ़ेंगे, और वो भी जावा स्क्रिप्ट के साथ में। 2 नंबर लेंगे, एक नंबर हमारा नंबर होगा, एक हमारा पावर होगा, जिसकी सहायता से हम किसी भी वैल्यू को, नंबर को कन्वर्ट करेंगे पावर में। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया होगा कि किस तरीके से पावर हम यूज कर सकते हैं। तो पावर मींस बोल रहा है, तो पावर कितनी भी पावर अप्लाई कर सकते हैं। पावर का हम मींस यही होता है कि हम अपने अनुसार कोई भी डेटा को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे कोई भी पावर को कन्वर्ट करके हम आपको जावा स्क्रिप्ट की सहायता से HTML क्लास में हम आपको आज सिखाने वाले हैं इस प्रोग्राम को, किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में बनाना, और हमारा जो प्रोग्राम्स बनेगा सॉफ्टवेयर किस तरीके से कार्य करेगा बनने के बाद। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यानी कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, अब चलते हैं इसमें हम कहाँ पर, नोटपैड में। नोटपैड में सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को लिखते हैं 1 बाय 1, सारा डेटा को एक एक करके। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स लिख रहे हैं वो इक्वल पार्ट में आराम से लिखेंगे उसको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से किस तरीके से ये डेटा बनेगा उसका पूरा एक एक करके पार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करते हैं हम, HTML हमने इंक्लूड करके रखा है। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले बॉडी के अंदर कार्य कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉडी लिखा, बॉडी लिखने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद स्लैश बटन यूज किया और बॉडी फंक्शन मैंने स्लैश बटन द्वारा इसको क्लोज करा लिया। तो यहाँ तक तो पूरा हमारा फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन अप्लाई होगा वो एक हेडिंग रूप में कार्य करेगा अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं H1 के नाम से, जो हमारे H1 को ओपन किया हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर, और उसी H1 को हमने लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो किस टाइप का है, जावा कैसा है, स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट का है, क्या है प्रोग्राम, मैथ का फंक्शन है, कौन सा है, डॉट पावर POW पावर और ब्रैकेट हमने ले लिया, जिसके अंदर हमारा जो पावर फंक्शन होगा वो 2 वैल्यू के बीच में कार्य करेगा। एक तो आपका नंबर ऑफ वैल्यू होगी कोई भी, और एक नंबर ऑफ पावर होगा। तो हमने एक्स को वैल्यू मान लिया और वाई को हमने पावर मान लिया। तो यहाँ पे ही इस प्रोग्राम के द्वारा हम अपने प्रोग्राम को इस तरीके से रिटर्न करके बना सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अभी हमें यहाँ पर एक्स वाई के अंदर पावर ही लिखना है, ओनली इतना ही पार्ट, क्योंकि एक फंक्शन टाइप में शो कर रहा है वो, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई अभी नहीं देना है। इसको कहाँ देना है, जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम एक्स वाई को पार्ट लिख करके देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या यूज करना है, एक पैराग्राफ यूज करना है। तो पैराग्राफ के लिए पी यूज करेंगे, ओपन किया हमने और लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमने स्लैश बटन द्वारा पी को, पैराग्राफ को हमने क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर जो हम पावर को अप्लाई करा रहे हैं वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैथ फंक्शन हम अप्लाई करा रहे हैं, तो मैथ हमने लिखा डॉट, क्या लिखा हमने, पावर W और ब्रैकेट हमने ओपन एंड क्लोज किया। अब यहाँ पे लिखते हैं x, y, एक x हमारी वैल्यू है और y हमारा क्या है, पावर वाली वैल्यू है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, ये भाषा हमें चेंज करके यहाँ पे लिखना है, जो हम लिख रहे हैं उसको क्या करना है, रिटर्न करना है, RETURNS, जो वैल्यू लिख रहे हैं उसको रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो हमारी वैल्यू है, एक एक्स है, टू द पावर, टू द पावर ऑफ वाई, मतलब जो हमारी वैल्यू है एक्स है, किसको रिटर्न करना है, एक्स वैल्यू को रिटर्न करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो हमारी, जैसे मान के चलो 2 वैल्यू है, तो 2 हमारी एक्स है, उसी एक्स को हम क्या करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं, जब क्या कर रहा है वो, पावर बाई है, तो 2 की पावर बाई लगाया हमने, तो 2 की पावर कोई भी ले सकते हैं,
तो जो पावर में आएगा उसी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करके एक्स की वैल्यू को रिटर्न करके शो कराना है। बस इतना सा हमारा फंक्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलो वाई की एक्स की जगह पे हमने 2 लिखा और वाई की जगह पे 3 लिखा, तो हमारा कितना आना चाहिए 8। तो एक्स वाली जो वैल्यू है उसी को तो हम रिटर्न करेंगे, तो एक्स वाली जो वैल्यू है वही हमारे सामने आएगा। तो इसलिए हमने रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स लिखा है टू द पावर ऑफ वाई, उसकी पावर कितनी है वाई है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए पहले पॉइंट, तभी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा प्रोग्राम्स। अब इसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं एंटर करके। तो क्लास किस टाइप की बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले हम क्लास हम बना रहे हैं यहाँ पे, किस टाइप की बन रही है क्लास हमारी, एक हम क्लास बनाते हैं, पी पैराग्राफ ले लेते हैं पहले, उसके बाद इस पे देने के बाद आईडी लिखते हैं, आईडी के बाद इक्वल टू बटन लगाते हैं, इक्वल टू साइन, इसके बाद शिफ्ट के साथ इनवाइटेड कॉमा क्लोज एंड ओपन, दोनों फंक्शन हमने अप्लाई कर लिया। किस तरीके से हमने यहाँ पे डेमो क्लास ले लिया, उसके बाद हमें लेस देन ग्रेटर देन स्लैश के द्वारा पी को प्रोग्राम को इसको हमने क्या कर लिया, पैराग्राफ को भी क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एंटर करने के बाद अब जो हमारा सारा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है, अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन हम पढ़ के आ रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हमें स्क्रिप्ट टैब का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या है रिटर्न सही नहीं करेगा प्रोग्राम को। तो हमने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की सहायता से स्क्रिप्ट टैब का यूज कर लिया और ओपन एंड क्लोज दोनों फंक्शन अप्लाई कर दिए। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से कार्य करेगा और इसकी कोडिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, किसके अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में हमें आउटपुट फंक्शन अप्लाई करना है। तो आउटपुट के लिए डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट लगाते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट लिखने के बाद फिर बी एंड बाय, फिर शिफ्ट के साथ आई और डी, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसके अंदर हम शिफ्ट के साथ में आपको इनवाइटेड कॉमा एंड क्लोज कॉमा, और उसमें जो ऊपर क्लास लिए हमने डेमो नाम से उसी क्लास का नाम हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, और उस फाइल को इनर द्वारा अटैच कर लेते हैं डॉट के साथ में आई डबल एन ई आर। किस टाइप की हमारा प्रोग्राम है, HTML। तो हमने क्या लिख लिया, HTML लिख लिया, और जो HTML लिख रहे हैं उसको कैपिटल में लिखना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं करेगा कभी कभी। तो इसको स्पेस देने के बाद छोटा सा हमें क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, फिर हमें क्या करना है स्पेस देना है, उसके बाद फिर हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे, किसको, पावर वाले को। तो सबसे पहले मैथ लिखेंगे MATH, ठीक है, डॉट लगाया, POW लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लिखा, और देन उसके बाद सेमी कॉलन लिखा, जिसकी सहायता से हम लाइन को पूरा फिनिश कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू लेना है, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई, एक्स मैंने एक्स मान लिया, मान के चलो 7 वैल्यू हमने, कॉमा मान के चलो हमने 2 ले लिया पावर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये अभी हम समझा रहे थे रिटर्न किसको कर रहा है। तो एक्स की जगह पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे 7 रखा है, और वाई की जगह पे हमने क्या रखा है, 2 रखा है, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसको देखेंगे तो ये 7 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 7 का 2 बार इंटू कराएंगे तो आपका पावर कहलाता है, जितनी यहाँ पावर है उसी टाइम हम यहाँ पे इंटू कराते चले जाएंगे, तो ये कितना कहलाएगा हमारा 49। अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद फिर रन होगा। तो सेव कहाँ करेंगे, फाइल में जा कर के इसको, और सेव एस में जाना है, सेव एस में जाने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में टॉप में डेस्कटॉप पर जाना है, और फाइल का नाम यहाँ पर नामकरण करना है। तो फाइल का नाम दे दिया मैंने, और उसके साथ में डॉट HTML मैंने इंक्लूड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है, और सेव करने पे वो पूछ रहा है जिस फाइल में पहले चल रहे थे उसी में करना है, यस, तो उसी में हमने फाइल को कर दिया। तो जो हमारी फाइल बनी है वो यहाँ पे रिटर्न होकर के आ रही है, ये हमारा एक्सप्लोरर विंडो के अंदर वेब ब्राउजर में शो हो रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम्स तो ये आ चुका है, आने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लू लाइंस पट्टी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमने फंक्शन सारे लिखे थे वो ये सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक एक करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, क्या कार्य कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन्स आ रही है उसको हम राइट क्लिक करके अलाउ ब्लॉक कंटेंट के अंदर जा करके
उस सिक्योरिटी डेटा को यस कर लेते हैं। यस करने के बाद अब हमने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली रन हो चुका है। एक्स के अंदर हमने 7 रखा था और वाई के अंदर हमने 2 रखा था, तो हमारा 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो 49 ही हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से कोई भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, हमारा पावर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने अभी दोबारा इसको दिखाते हैं, अभी हमने यहाँ पे रिटर्न वैल्यू कितना लिया था 7 और 2 लिया था। अब मैं कोई दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मान के चलो 5 ले लेते हैं, तो कितना आना चाहिए 2 की पावर लेंगे तो आपका 25 आना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको रन में किया, रन करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 25। तो जितनी भी रिटर्न वैल्यू को आप कराएंगे उसके अनुसार हमारा प्रोग्राम शो करके आ जाएगा। तो आपने देखा, जब भी आप कैलकुलेटर को उठा करके आप अपने अनुसार कोई भी डेटा को मल्टीप्लाई या इसकर कुछ भी कर देते हैं तो वो ऐसे ही काम नहीं करता, ये सारी कोडिंग उसी के अंदर लिखी होती हैं जब हमारा प्रोग्राम्स एक एक काम कर पाता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दे दिया मान के चलो 10 दे दिया। अब 10 का यहाँ पे आपको 2 का पावर रखना है तो कितना आएगा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे किया तो 100 आता है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके की वैल्यू को आपने देखा कि इस प्रोग्राम में हमने पावर का यूज किया जिसमें एक्स हमारी वैल्यू थी और वाई हमने क्या लिया था, ओनली पावर नंबर लिया था। जो ज़रूरी नहीं है पावर वो बोल रहा है तो पावर कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर 2 ले रहे हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने 3 लिया और उसके बाद मैंने सेव कर दिया, सेव कंट्रोल एस की सहायता से किया, उसके बाद मैंने रन किया तो हमारा उसके अनुसार हमारा डेटा चेंज हो गया पावर 3 के अनुसार। तो पावर कितनी भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप पावर लेना चाहेंगे अपने अनुसार शो कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और ऐसी सारी क्लास अटेंड कीजिए जिससे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ जाएगा, कंप्यूटर में किस तरीके से कार्य करते हैं टेक्निकल फील्ड के अंदर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हमारे चैनल पर सारी वीडियो को 1x1 वॉच करते रहें। थैंक यू वेरी मच।